इंशाअल्लाह फिर भी मौका बनिया तो असी हजूर के दीन एवं नहीं आना, लेकिन एक गल मेरी तुसी याद रखनी, सुत्या सुत्या दीन नहीं आना। मेरी तकरीर सुनने तो बाद जाके तो जी कि मौलविया लिया है, और मौलविया की पता है हुकूमत करन दा, तुसी मौलवी आन तो दो। मैं तुहानू सच्ची यह गल कर रहा, यह तो 50 किस्म के तुहाडे कोल टैक्स लैंदे ने फैक्ट्रियां कोलों। इस्लाम में टैक्स नहीं लवेगा, सिर्फ कहेगा 2.5% ज़कात दो। हाँ, सिर्फ 2.5% इस्लाम लैके तुसी वेखना तो सही, ज़कात लैण वाला कोई नहीं होना। तुसी उशर लवेगा इस्लाम, सदके लवेगा, खैरात लवेगा, फितराने लवेगा। ऐ जी सेल टैक्स ते फलाने टैक्स कौम नूं तबाह करके रख दिता। मौलवी 50 लाख एक दिन का खर्चा है वजीर आजम हाउस का, सदर हाउस का कितना होना है, तो जनाब वजीर आला हाउस का, गवर्नर हाउस का कितना होना है। इन्हां गुंडियां दे खर्चे एक दिन बंद कर दो, अद्धा कर्ज तो उस दिन लै जाएगा पाकिस्तान। मैं तो सच्ची गल, ये तो इस्लाम लाड़ा मैनू कट दे, असल तो इस्लाम के खिलाफ बोलते हैं भाई, इस्लाम दी गल्लां करना। इकबाल कहता है, जानता हूं मैं इबलीस की शूरा, इबल मजलिस शूरा बुलाई इबलीस ने, उहदे विच ट्रंप भी आया, मोदी भी आया, इसराइली भी आया, हाँ यमा वो जनाब दूसरा बरतानिया वाला भी आया, कनाडा वाला भी आया। तो कहने लगा, जानता हूं मैं कि ये उम्मत हामिले कुरान है। इकबाल ने ना ये दलक्या इबलीस का खिताब मजलिस शूरा, कहना जानता हूं मैं कि ये उम्मत हामिले कुरान है। ये रात तिलावत सुन के झूमन के सही, लेकिन सवेरे कहन के कुरान का निजाम किन जाने, कुरान की गल कदी नहीं। वह कहते एवं बोली खादिम लगा आता कुरान, कहता जानता हूं मैं कि उम्मत हामिले कुरान नहीं है, वही सरमायादारी बंदा है मोमिन कदी। 70 साल हो गए कुरान नाल मजाक कर दें, 70 साल हो गए कुरान नाल मजाक कर दें। ओ वजीर आला जड़ा, उसने गल भी ना सुनी, हो जैनब के प्यो की, वो स्पीकर अपने हाथ नाल बंद किया। एडा भी कोई होना बड़ा फिरौन के मजलूमा ते मकतूला बची ते मजलूम प्यो उन्हें गल करन दी भी इजाजत ना होवे। मैं जिस इस्लाम दी गल्लां करना ना, वो ते हजरत उमर नूं मिंबर उत्ते पुछ लैना, दसो जी ए कुर्ता कित्थों बणिया। ये ते मतलब सहाबा ते पूरी उम्मत सहाबा दी करदे राह नूं नहीं पहुंच सकती। जदों हजरत उमर दी शाना जाए बंदे को पूछा जा सकता है कित्थों बणिया जी कुर्ता, हजरत उमर ये ना फरमान नप लो, इन पता नहीं मैं उमर हाँ। एक मजलूमा बची थी ते मकतूला बची ते बंद प्यो की गल भी ना सुने, अपने हाथ नाल स्पीकर बंद कर देवे, जेड़ा जालिम है ते तुहाडे मेरे नाल कितना जालिम होना होगा, तुहाडे बारे मेरे उहदे की नजरियात होने, कि इस कौम नूं किस तरह बर्बाद करना। ते जिन्हां नूं नहीं ना समझ आती उन्हां नूं साडी गल नहीं, उन्हां नूं कुरान हदीस भी नहीं समझ आता। हाँ, उन्हां नूं मसला खत्म नबूवत भी नहीं समझ आया। हाँ जी, इस तो बाद भी जिस बंदे नूं नामूसे रिसालत का मसला समझ नहीं आया, वह मौली खादम के गाटे लगता मुड़ के, कि जनाब नहीं 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 मौली खादिम डाडिया गल्ला करना। मैं आखा जलिया डाडी गल ये नहीं करता, मैं तो वही कुछ बयान करना जेड़ा कुरान ते हदीस च मौजूद है। हाँ जी, तू बदल गया तो बेहतर के बदल गई शरीयत, इकबाल बोलिया, कहने लगा तू बदल गया तो बेहतर के बदल गई शरीयत के मुवाफिक तदरवा नहीं दीने शाहबाजी। इकबाल कहता है शाहबाजा का दीन सी, तू बदलिया ना शरीयत भी बदल गया, ये शाहबाजा का दीन बटेरिया के मुवाफिक तो नहीं ना हो सकता। हाँ जी, हाँ जी, मैं जिस दीन दियां गल्लां करना होते हजरत उमर नप लैंदा। हाँ, मैं जिस दीन दियां गल्लां करना होते हजरत उमर के सामने माई गल करे तो हजरत उमर रो पैंदे। माई गल की थी, हजरत उमर मुल्क शाम तो वापस आ रहे, अब्दुल्ला बिन मसूद भी नाल ते मौला अली भी नाल। हजरत उमर फरमान लगे, यार तुसी अलहदा हो जाओ, मैं अपनी रियाया की खबर लवा, उमर के बारे इन्हों का की ख्याल है। हजरत उमर चलते चलते एक माई बुढ़ी के खैमे चले गए, माई उरी उत्थे बैठे, फरमाया माई, उन्होंने नहीं पता माई नूं यही उमर, उन्हें कहा माई जान दी उमर कितने, उन्हें कहा सुनया मुल्क शाम गया, इस तो ज्यादा मैंने जरूरत भी कोई नहीं उमर के बारे कोई जानन दी। हजरत उमर चौंक गया, फरमाया माई खैर है उमर नाल इतनी नाराज है, उन्हें कहा नाराज नहीं होना, जदों तो हुक्मरान बनया मेरे खैमे खबर लैनी नहीं आया। हजरत उमर फरमान लगे, माई तेन पता नहीं इतनी वड्डी सल्तनत होती, तेरे खैमे किवें उमर आ सकता सी। माई ने कहा उमर नूं जाके पैगाम देवी, उतनी सल्तनत रखे जिदे खैमे जा सकदा, बाकी छड़ दियो। माई ने हजरत उमर के सामने गल की, पता है फिर हजरत उमर ये नहीं फरमाया भाई नप लो माई नू, फरमाया वाह उमरा, आप उत्थे खड़े होके रोन लग पे, ते फरमाया वाह उमरा वाह उमरा, फरमाया वाह उमर वाह उमर, ए माई तेरे नाल डाडी गल कर गई। ते माई दी गल सुन के जिन्हां दी निगाह नाल सूरज भी बेनूर होवे, इतना जलाल होवे जिदा खत दरियाए नील सुटिया जाए तो वह भी चल पवे, जमीन उत्ते डंडा मारन तो जमीन हिलती बंद हो जाए,
तेल रुड़िया होवे ते लौंडी रो रही होवे ते फरमाओ जमीन तेल बाहर कढ। इतनी शाना दे माले कौन ते माई गल करे ते उमर रो पवे तो भी खैमे वाली माई। मैं इस इस्लाम दी गल करना ऐ इस्लाम तख्त ते आएगा ते गरीबा दी गल हो जाएगी। बस मैं कदी भी नहीं कहा मौलवियां नूं लियाओ पीरां नूं लियाओ फलाने नूं लियाओ। मैं कहंदा मुहम्मद अरबी दा दीन लियाओ। बस उस दीन तख्त उत्ते लियाओ। हाँ बिल्कुल असी तुसी जेड़ी ड्यूटी लाई मैं मौली खादिम दी डी चौक के झाड़ू दे तुसी क्या ना झाड़ू दे थे मैं झाड़ू दे दूंगा। असानू की करना है खुदा ने वो बंदे उत्ते आओ हुजूर दा दीन लियाओ। सिद्दीक अकबर दुनिया तो जान लगे थे दो चादर फरमाया नवियां लै लेना ते एक चादर आपकी बीमारी की हालत जुते पई सी। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा ने फरमाया धो के मैं पवा देना। उम्मुल मोमिनीन रो पई उन्हें कहा अब्बा जी असं इतने तो कमजोर नहीं ना तुम्हें पूरा कफन न दे सकी। फरमाया बेटी नहीं जिस मकाम ते मैं जा रहा उसे कपड़े नहीं पूछे जाते कि केड़े पा के तू आया। इतनी शाना दे मालिक होवन इस्लाम मकरूज होवे क्यामत तक। सिद्दीक अकबर दा हुजूर फरमांदे मैं सारे दे कर्जे उतारे सिद्दीक का कर्जा नहीं उतारिया। इतनी शाना दे मालिक होवन हजरत उमर कवन दिल नाली नेकी दे दे जदों तू मुर्तदीन दे खिलाफ लश्कर भेजा ते मुनकरी ने खत्म नबुवत दे खिलाफ ओ नेकी दे दे या गार वाली नेकी दे दे उमर दियां सारियां नेकियां लै लै। इतनी शाना दे मालिक होवन ते दुनिया तो जांदे कवन नहीं नहीं मैनू कपड़े अच्छे नहीं चाहिए ये तो कब्र च पूछा जाएगा सिद्दीक दे अमाल केड़े। मैं उस इस्लाम दी गल कर अफजलुल खल्क बादर रसूलो हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर तनख्वाह लईए पता है तो तनख्वाह लैके लेकिन तनख्वाह कितनी लई जी आम एक मजदूर की तनख्वाह सी मदीना मुनव्वरा च। इन्हां दियां गुंडागर्दियां ही नहीं मुकदियां है बाहर जाके एक एक लख डालर की रात एक एक कमरे गुजार दे जिस कौम के थर के बच्चे भुखे मर रहे हो। सिद्दीक अकबर एक दिन अपनी बीवी नूं क्या फरमाया अज मिठे ते दिल करदा उन्हें कहा मिठा कितों लिया भी ये तनख्वाह ही नहीं इतनी लभदी मिठा तो मैं नहीं पका सकती। कुछ अरसे बाद सिद्दीक अकबर के सामने उन्हें मिठा रखा तो फरमाया अज ये मिठा कितों आ गया उन्हें कहा जी तनख्वाह लभदी ना थोड़ा थोड़ा मैं बचाती रही। सिद्दीक अकबर मिठा नहीं खादा उठ के चले गए बैतुल माल के खजानची को फरमाया सिद्दीक की इतनी तनख्वाह कम कर दो। मैं इस इस्लाम को तवज्जो जी तवज्जो सहाबा दे जायके जबान ते नहीं सन तुहाड़े मेरे को भी किस्म के खाने खाइए ता जायके बदलने भी किस्म के कपड़े पाइए ता जायके बदलने। सहाबा कोई ये समझते कोई मखलूक ही और सी ना ना ओ ही जनाब छे सात फुट के सहाबा दे कद सन। हाँ जी उन्होंने भी बच्चे सन उन्होंने जबाना के जायके भी सन वह हुक्मरान भी सन सल्तनत भी हुई कैसर किसरा भी फतेह हो छत्ती पैबंद लगे हुए हजरत उमर बैतुल मुकद्दस चले गए छत्ती पैबंद लगे सन जो माई नाल गल कर रहे सन उस वेले खैमे में छत्ती पैबंद लगे हुए सन ते माई जो हजरत बाद आए ना अब्दुल्ला बिन मसूद ते हजरत अली उन्हें कहा अस्सलाम वालेकुम या अमीर अल मोमिनीन ते माई चौंकी माई सिर नु हाथ मारन लग पई। मैं उमर दे सामने इतनी डाढ़िया गल्ला कीतियां पर मैं माई नहीं 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 तेरा हक बनदा सी तू उमर दे खिलाफ गल कर दी उमर आया जी नहीं तेरे खैमे धी भी कतल हो जाए ज्यादती तो बाद कतल हो जाए उसके प्यो की गल सुनना भी रवादार ना होवन ऐ तुसी चाहते हो। ओहो निगी चादर तान के सो गए पाकिस्तानी निगी चादर तान के सो गए मालिक चोर पछाण के सो गए लुटन वालिया रज के लुटिया जागण।